हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे लेकर आई हूँ कुछ यूजफुल अनोखे किचन टिप्स जिससे कि आपका रोज रोज का झंझट खत्म होने वाला है और साथ ही में पैसा का भी बचत होगी तो ज्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का पहला टिप इस तरीके का मसाला पैकेट को लेकर के जब हम मार्केट से इस तरह का मसाला लेकर आते हैं तो मसाला को पैकेट से कट करके हम डिब्बों में भर के रख लेते हैं फिर उसके बाद ये जो पैकेट है इसको हम फेंक देते हैं फेंकना भी चाहिए लेकिन आज मैं इसका बहुत अच्छा एक यूज बताऊंगी एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी जो बहुत यूजफुल रहेगा तो सबसे पहले पैकेट का जो निकला हुआ पार्ट है उसको स्टेपलर के मदद से इस तरह से फिक्स करके अच्छे से सेट से कर देना है अब हमें लेना है एक चूड़ी तो चूड़ी आप मेटल का ही लीजिएगा कांच का लेने से फिर अगर बाई चांस गिर जाए तो फिर टूट भी जाएगा ठीक है ना तो इस तरह से मेरे पास ना एक वेस्टेज मेटल का चूड़ी था तो उसका ही यूज़ में यहाँ पे ले रही हूँ तो अब हम क्या करेंगे देखिए इस चूड़ी को यहाँ पे इस तरह से हमें फ़िक्स करना है अब फिक्स कैसे करेंगे इसके लिए हमें क्या करना है टेप लेना है आपके पास जो भी टेप है आप ले सकते हैं ब्लैक टेप सेलो टेप या डबल टेप जो भी टेप है आप टेप की मदद से अच्छे से इसको फिक्स कर दीजिएगा ताकि हम इसको अच्छे से हैंग कर पाए ठीक है ना है हैंगिंग के लिए हमने चूड़ी को इस तरह से सेट किया है अब ये बन के तैयार हो चुका है हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र अब इसमें हम छोटे मोटे बहुत सारे सामान को अरेंज करके रख सकते हैं जैसे कि आप ड्रेसिंग टेबल के सामने अगर रखेंगे तो कॉम वगैरह रख सकते हैं किचन में रख सकते हैं तो छोटा छोटा जो किचन टूल है उसको भी रख सकते हैं बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइज़र है जो देखने में भी सुंदर लगता है और बहुत काम भी आते हैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टिप आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप मेरी अगली यूजफुल टिप है इस तरीके का एडजस्टेबल रिंग को लेकर के तो इस तरह का रिंग हम सभी लोग वेयर करते हैं बहुत पसंद भी होता है हमें लेकिन क्या है ना जब हम इसको ना उंगली में वेयर करते हैं इसका जो किनारे आप देख रहे हैं ना ये हमारे कभी साड़ी में अटकते हैं या तो फिर बालों में अटकते हैं जिस कारण हमारे साड़ी जो है ना वो खराब हो सकता है या तो फिर जो भी हेयर स्टाइल हम बनाते हैं वो भी खराब हो जाता है तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है एक छोटा सा टुकड़ा टेप का ले लीजिए और इस किनारों में टेप को अच्छी तरीके से लगा दीजिए इस तरह से टेप लगाने से क्या होगा इसका जो किनारे हैं वो बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद जब इसको आप उंगली में वेयर करेंगे तो फिर आप देखेंगे तो ना ये साड़ी को खराब करेगी ना ही हेयर स्टाइल को खराब करेगी बहुत ही यूजफुल टिप है आप जरूर ट्राई कीजिएगा उम्मीद कर

उ करने के बाद छोटा टुकड़े में गल जाता है वो साबुन भी यूज कर सकते हैं अदरवाइज आप इस तरह से साबुन को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं साबुन को हमने ग्रेट कर लिया है अब हम हम क्या करेंगे थोड़ा सा पानी मिला के इसको हम अच्छे से गीला कर लेंगे ठीक है तो आप चाहे तो इस सॉल्यूशन को एक ही बार में बना के ड्राई फ्राम में इसको आप डिब्बों में भर के रख सकते हैं और जब यूज के लिए चाहिए होगा तो थोड़ा सा पानी मिला के इस तरह से सॉल्यूशन इसका बना लीजिएगा देखिए सॉल्यूशन बन चुका है अब हमें क्या करना है स्क्रबर की मदद से देखिए इस तरीके का बर्तन खास करके जो एल्यूमिनियम का बर्तन हम सभी के घरों में होता है हम इसको यूज करते हैं तो आप देखे होंगे इसको कुछ ही दिन यूज करने के बाद इसमें काला निशान आ जाता है साथ ही में ये बहुत जल्दी डल पड़ने लगता है अब जो इसका काला निशान जो है ना उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा झंझट वाली काम होती है लेकिन अगर इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके अगर इस तरह से आप रब करेंगे ना तो फिर आप देखेंगे काला वाला जो निशान है ना वो रिमूव हो जाएगा बर्तन में एक बहुत अच्छा चमक भी आ जाएगा देख ही सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से जो काला निशान है ना वो रिमूव होते जा रहा है हालांकि बर्तन में उतना काला निशान नहीं था क्योंकि इसको मैं टाइम टू टाइम साफ़ करते रहती हूँ बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और देख ही सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से ये चमक उठा है तो तो इस तरह का एल्युमिनियम बर्तन को चमकाने का ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है आप जरूर से इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप कौन सा है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह का जो आर्टिफिशियल इयर है ना इसको वेयर करना हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं खास तौर में जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो ड्रेस का जो मैचिंग है ना उसी का मैचिंग का हम इस तरह का ईयर वेयर करते हैं लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है इसका जो पैच है ना वो गुम जाती है अब अचानक हम इसका पैच कहाँ से ले आए तो उस टाइम के लिए ये टिप आपका बहुत काम आएगा तो घर में रखा हुआ बिंदी का यूज लेकर के इस इयर का पैच आप बना सकते हैं और ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा इस तरह से जब आप इयर को पहन लीजिएगा जैसे आप पैच को लगाते हैं ना इसी तरह से बिंदी को भी इस तरह से लगा के अच्छे से अटैच कर दीजिएगा बहुत ही यूजफुल टिप है बहुत ही पसंद आएगा आपको और इमरजेंसी में ये टिप बहुत ही काम आएगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप मेरा अगला यूजफुल टिप है झाड़ू को लेकर के कई बार ऐसा होता है ना कि गलती से हम झाड़ू को बाहर रखे हुए हैं और झाड़ू बारिश में भीग चुका है खासतौर में 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 इस तरह का प्रॉब्लम ना ज़्यादातर बरसात बरसात के के मौसम होती है क्योंकि पानी में अगर झाड़ू एक बार भीग जाए ना तो अच्छे से वो ड्राई यानी कि सूख नहीं पाता है जिस वजह से इस तरह का बैड स्मेल झाड़ू में से आने लगता है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि झाड़ू बहुत पुराना हो चुका है देखिए आजकल ना इस तरह का प्लास्टिक का झाड़ू मिलने लगा है तो जिस कारण झाड़ू जो जा है ना जल्दी टूटता नहीं है अब जल्दी अगर नहीं टूटेगा तो झाड़ू को हम फेंक भी नहीं सकते हैं और झाड़ू पुराना होने की वजह से क्या है ना कि इसमें से बैड स्मेल आने लगता है बैड स्मेल आता है अब इस बैड स्मेल को भगाने के लिए एक बहुत यूजफुल हैक आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी इसके लिए अगरबत्ती का जो वेस्टेज यानी कि जो राग है ना उसका यूज़ हम लेंगे तो अगरबत्ती को जलाते टाइम अगर अगरबत्ती का वेस्टेज को हम इधर उधर ना फेंक के अगर इस तरह से एक प्लेट में रखा करें इससे कि आपका सरफेस भी गंदा नहीं होगा और ये यूज में भी आ जाएगा तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम काम को करते हैं तो इससे कि हमारा मेहनत भी बचती है और साथ ही साथ पैसा का भी बचत होती है अब हम क्या करेंगे देखिए अगरबत्ती का जो वेस्टेज है ना उसको हम झाड़ू के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए स्प्रेड कर देंगे यानी कि इस तरह से झाड़ू का रेसे को हटा हटा कर राग को अच्छी तरीके से डाल के अच्छी तरह से लगा देना है ठीक है फिर उसके बाद आप देखेंगे झाड़ू में से जितना भी बेडिस्मल रहेगा वो रिमूव हो जाएगा और अगर झाड़ू में बहुत ज्यादा बैड स्मेल है तो एक बार में असर नहीं करेगा दो तीन बार और करना पड़ेगा फिर आप देखेंगे झाड़ू का बैड स्मेल एकदम खत्म हो जाएगा उम्मीद करती हूँ कि टिप आपको बहुत पसंद आया है तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप तो इस तरह का खुशबूदार नहाने वाला साबुन का यूज हम करते हैं तो साबुन को जब हम निकाल लेते हैं फिर उसके बाद इसका जो रेपर है या फिर ये जो अंदर वाली कागज जो है ना इसको हम फेंकी देते हैं फेंकना भी चाहिए लेकिन इसका भी यूज हम बहुत अच्छी तरीके से

गया डिश जो भी रहेगा ना वो खत्म हो जाएगा तो इस तरह से साबुन का जो रैपर है उसको ना के सॉक्स में डाल के इसका यूज आप इस तरह से भी ले सकते हैं तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग